चलिए पवनदीप, मुझे ये बताइए, आप आइडल जीत गए हैं, आपका जब स्टेज पे खड़े थे तो एक पहली चीज जो दिमाग में आई थी वो क्या थी? जी बहुत अच्छा लगा आइडल जीत के। सबसे पहले अपने सर को नमस्कार, सबका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा लगा। और सब ऐसे ही बस आगे सपोर्ट करते रहिए, बस जीत गए अभी तो क्या ही होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। काम करता था, कोशिश यही थी कि जितना मुझे समय मिला है उस समय में मैं जनता को खुश कर पाऊँ या अपना अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, भाई इतनी सी कोशिश थी। और बाकी आप लोगों का प्यार है, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ही कहूँगा मैं, क्या ही कह सकता हूँ बाकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ही कहूँगा मैं, क्या ही कह सकता हूँ बाकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ही कहूँगा मैं, क्या ही कह सकता हूँ बाकी। आप पवनदीप, आपकी और अरुणिता की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, आपको अरुणिता कैसी लगती है? नो अरुणिता इज लाइक वो बहुत बहुत स्वीट है, नो नो यू आर एंड लाइक पवनदीप राइट वो नाउ, यू आर पवनदीप, यू आर पवनदीप राइट नाउ। पवनदीप है, वो एक्सप्रेशन वो न्यूट्रल है, कुछ भी चाहे उनके साथ, कुछ भी इंसिडेंट हो उनके साथ, वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। अच्छा मैं पवनदीप हूँ, हाँ, पवनदीप गया, एंड मैं आपसे मुझे पूछती क्या हूँ, करना है? मैं आपसे पूछती हूँ पवनदीप, आपकी और अरुणिता की जोड़ी सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आप ओके अरुणिता को आप आई मीन आप कितना पसंद करते हैं अरुणिता को? जी, अब दोस्ती तो पूरी है, अब सब लोग पसंद करते हैं, हमारे ड्यूएट परफॉर्मेंसेस इतने हुए हैं तो सब लोग ऐसे ही आगे आशीर्वाद देते रहें, इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गाने को इतना पसंद करने के लिए, और सबका प्यार है बस। आपको ना लिंक्स भेज रही हूँ पवनदीप की सेम चीजों के, जहाँ एग्जैक्टली यही आंसर मुझे मिला है। ओके वो मैं हंसते उनसे तो एकदम से ही हंस देते हैं, पता नहीं वो बिल्डअप भी नहीं करते, वो एकदम से लाइक एकदम से हंस देते हो, किसी को पता नहीं चलता, अपने मूड में रहते हुए बेस्ट। रियली नाइस। फिर भी जब धीरे धीरे जब सफर आगे बढ़ रहा था, सर्टेनली एक वो टाइम भी आया था जब आपको बोला गया कि आपका सफर यहीं तक है, क्या फीलिंग थी? सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट तो होता है बिकॉज आप इतने समय से अपने लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, दुख तो ऑब्वियसली हुआ, एंड सबसे ज्यादा मैं मिस करूंगा, सबसे ज्यादा दुख हुआ था कि ये स्टेज स्टेज प्रेजेंस, ये जजेस का सपोर्ट, पूरी टीम का सपोर्ट, इन सबको मैं दोबारा पता नहीं कब देखूंगा। मेरे को मालूम ही नहीं था ग्रैंड फिनाले में बुलाएंगे, बुलाया था लकीली, एंड बहुत मजा आया था। तो वही सबसे मेन चीज जो मिस कर रहा था, मिस अभी भी कर रहा हूँ ऑब्वियसली, वो सब लोग, हम लोग जब साथ में रहते थे, सबके साथ में रिहर्सल्स होते थे, जूरीज हमारे मेंटर्स के साथ में मस्ती जो होती थी सारी, एंड डांट भी इतनी पड़ती थी हमें, तो वो सब वो सारे मोमेंट्स ही अब याद रह गए, एंड सबसे मेन वही है। एंड ऑब्वियसली इतने परफॉर्मेंस, इतना प्रैक्टिस, रोज रोज एक गाने को 4 दिन में पूरा प्रिपेयर करना, एंड बैंड के साथ पूरा कोऑर्डिनेट करना, सो वो सब बहुत ज्यादा मिस करूंगा ओह आई नो आई नो आई नो आई नो, वो मैं। मिसिंग पार्ट हमेशा रहता है, लेकिन जब हाँ वापस एक बिल्कुल, ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए तो फिर से उन्हीं दोस्तों को देखना, हाउ इज दैट फीलिंग? अरे वो तो मेरा अपने मेरा एक ब्लॉग भी डाला था मैंने यूट्यूब चैनल पे, 2 पार्ट्स डाले थे उसके, उसमें आपने देखा होगा रिएक्शन। सबसे पहले आशीष भैया से मिले थे, ऐसे भाग भाग के आए थे, अरे आशीष भैया गले मिले थे, एंड इतना स्वीट मोमेंट्स थे हमारे सबके, एंड सब लोग एक्चुअली हम लोग जो हम मैं विजी एंड अनुष्का दीदी नचिकेत दी, हम लोग थे साथ में, नीचे बैठे हुए थे शिरीषा दीदी, हम लोग एक्चुअली साथ में बैठे थे। उन लोग का जो टॉप 6 थे, जो उनका बैंड, उनका टेक्निकल चल रहा था उस दिन, तो वो लोग रात को वापस आए थे, तब लोग मतलब उतने टाइम तक हम लोग सब चिल कर रहे थे, बढ़िया थे, एंड जब सब लोग आए थे एकदम से, एकदम सरप्राइज, सब चिल्ला रहे रिसेप्शन में, बाकी रिसेप्शन में जो चेक इन कर रहे वो पीछे मुड़ के देख रहे क्या हो गया इनको। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा मोमेंट हुआ था वो। I'm sure. अच्छा, आपकी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में, आप कितना आपको अंतर नजर आया है अपने आइडल के, प्री आइडल एंड पोस्ट आइडल अगर लाइफ की मैं बात करती हूँ? इंडियन आइडल के बाद जिंदगी बदल गई बिल्कुल ही,
लोग अब और पहले भी सपोर्ट करते थे, एंड अब तो अरे सब मैं इंडियन, अब तो मेरा नाम ही नहीं रहा, ओहो इंडियन आइडल ऐसे बुलाते मेरे को, और ओहो लड़कियां तो पागल हम लड़कियां फैन पेजेस सब क्या। एंड म्यूजिकली तो इतना कुछ सीखने को मिला मेरे को, एंड लाइक म्यूजिकली भी लाइफ चेंज हुई है एंड पर्सनली भी। तो लाइक जैसे लोग बोलते हैं इंडियन आइडल एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, जो लोग घर बैठ के देखते हैं वो लोग टाल देते हैं बात को कि लाइक होगा चलो ऐसे ही बोल रहे होंगे, टीवी पे बोलना होगा इसलिए बोल देते होंगे, बट जेन्युइनली होता है। और ये लोग ये सब सब लोग एग्री करेंगे जो मेरे साथ के लोग थे कंटेस्टेंट्स थे, एंड यस दैट्स इट। हाउ स्वीट। तो अभी आप लक्ष्य क्या है आपका, हाउ ओल्ड आर यू समय का, हाउ ओल्ड आर यू? I am going to be 18 on 17th April. Hey, भगवान एक अंडर 18 से बात कर रही हूँ। मैं चले जाता हूँ कोई नहीं। टाइम टू गाइडेंस में बात करनी चाहिए थी फिर मुझे। No, just joking. You're matured enough. I can't really make out, but still, क्या सोचा है? अभी तो अपने आप पे काम चल रहा है, अपने आप पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी पूरा। एंड रियाज चालू है, अपने प्रोजेक्ट्स भी मेरे रिकॉर्डिंग चालू है। अभी मेरा आसामीज ओरिजिनल आ रहा है, एक जो न्यू एरा म्यूजिक जो है, आसाम के अच्छे अच्छे खासे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, जो आसाम के एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, यूथ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तोमोय क्रिप्टन, शंकुराज कोनवर, ये सब बहुत आगे जा रहे हैं अभी। आपने सुने होंगे गाने, अपने उनके गानों के बारे में सुने होगा, तो उनमें से एक के साथ मैं कोलैब कर रहा हूँ अभी, तो दैट इज गोना बी ब्लास्ट आई होप, बिकॉज बहुत बहुत मेहनत करी है प्रोजेक्ट में। एंड ऐसे आपने आबाद मेरा म्यूजिक वीडियो देखा होगा, आई सॉ ब्यूटीफुल, तो यस आबाद मेरा पहला ओरिजिनल आया हिंदी, एंड उसपे मेरे पापा ने कंपोज किया म्यूजिक, एंड आई संग इट, एंड म्यूजिक वॉज बाई विभूति दादा। एंड यस फ्यूचर प्रोजेक्ट ऐसे ही चालू है, अपने आप पे काम चल रहे, जितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ अभी कर रहा हूँ, बना रहा हूँ अपने आप को। एंड आगे अभी राइट नाउ आई एम इन 12th के बाद आई एम प्लानिंग फॉर म्यूजिक कॉलेज, एंड आगे मुझे म्यूजिक ही सीखना है, बिकॉज म्यूजिक ही करना है मुझे आगे। अच्छा वो जो 10 सिंगर्स के अलग अलग आवाज वाला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था वो? आई डोंट नो, लाइक मेरे को मिमिक्री करने की बहुत आदत है, तो आई सॉ दैट नॉर्मल कंटेस्टेंट्स में भी लाइक मैं किसी के भी अगर मिमिक्री करूं तो अच्छा अरुणिता की कर सकते हो, अरुणिता की ओके अरुणिता आज क्या खाया आपने? मैंने आज कुछ क्या खाया, क्या दाल, वही रोज जो खाती हूँ मैंने वही खाया। उसका उसका ये एक्सप्रेशन बहुत सटीक रहता है, ये ऐसे उसकी शी इज लाइक इरिटेटेड विद एवरीथिंग, शी इज लाइक गिवन अप ऑन लाइफ, जो भी है उसको ऐसे रिप्लाई करना है। ओके आपके अलग अलग जगह परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, आपको आप प्रिपेयर्ड हैं, अलग अलग जगह जा रही हैं, वहां पे ठंड भी हो सकती है, आप प्रिपेयर्ड हैं? प्रिपरेशन तो चल रहा है, प्लस मैं म्यूजिशियन के साथ करने में बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड ऑब्वियसली पवन के साथ भी परफॉर्म करना है, आशीषता के साथ भी परफॉर्म करना है, दानिश भैया के साथ तो सबसे एक्साइटेड हूँ, और मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। I'm okay, sorry, Arunita. Don't kill me after this. Okay, you said Danish also. हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, HR सर ने इतना अच्छा गाना गाने को दिया है, एंड मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है, एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा गाना। हाँ. दानिश आपने बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया है, तो जुगलबंदी जो आपकी ढोल के साथ थी वो बहुत पसंद की गई, आपको क्या रिएक्शंस मिले? जी मैम मैं इतना इतना खुश मिजाज हूँ, माशाल्लाह इतने खूबसूरत कलाकार मिले साथ में परफॉर्म करने को, एंड हमारे नीरज सर साथ में इतना इतना मजा आया परफॉर्म करके, एंड एकदम मतलब धमाका कर दिया। सो ऊपर से मेरा गाना है अभी HR सर के साथ, आप सब लोगों ने सुना होगा, गाने से ज्यादा जितने रील्स इस गाने पे कम से कम 50,000 रील्स बने हैं, उनमें से 40,000 तो मैंने बनाए हैं, तो आई होप आप लोगों को पसंद आए।
ओके नाउ नाउ टेल मी साइली साइली ओके साइली आपकी शादी होने वाली है आपकी पूरी शॉपिंग हो गई शॉपिंग तो मैम पूरी हो गई पर अब क्या है ना मेरे पापा को मैंने ट्राई करा तो उन्होंने पहना नहीं वो पापा पता नहीं पसंद नहीं आता दानिश दानू दानू को तो मैंने इतना इतना अच्छा लग रहा इतना सुंदर लग रहा था मेरे से सुंदर दानू लग रहा था नहीं अच्छा नहीं साइबी काटू नहीं मैंने काटूंगी बस एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इनके इनका जब मैं इंटरव्यू ले रही थी एंड दानिश की बात आई तो शी लिटरली सेड दानू मैं दानिश को दानू बोलती हूँ दानू हंसाओ तो हंसा देता है तुरंत और मैं दानिश को दानू बोलती हूँ दानू हंसाओ तो हंसा देता है तुरंत और she is given all of us some कुछ ना कुछ निकलने दे रखा है सबको ओके जब सब लोग सेट पर भी छेड़ते थे पवन अरुण इत्ता को आप तो बहुत छोटे थे आपको तो बिल्कुल फुल आजादी होगी उनकी टांग खींचने की घर में सबसे छोटा जो होता है उसको फुल ऑन आजादी रहती है